राजस्थान के पवित्र अरबुदाचल पर्वत अर्थात माउंट आबू के घने जंगलों में श्री वास्थान जी नामक प्राचीन तीर्थ है। चारों ओर घने जंगल, स्वच्छंद घूमते जंगली जानवर और यहाँ स्थित वास्थान तीर्थ। इसका नाम वास्थान इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने वास किया था। इसी स्थान पर रसो सिद्ध परम पूज्य मुनि जी महाराज का पोष सुदी सप्तमी को समाधि स्थल पर मेला भरता है, जिसमें आबू की पहाड़ियों में तपस्यारत तथा दूर दूर से साधु संतों का आगमन होता है, जहाँ पर धुनिया जगती है, विभिन्न प्रकार के साधु भगवंतों के दर्शन होते हैं, भंडारा होता है, रात भर कीर्तन होता है। हालांकि इस वर्ष कोरोना का लेकर अत्यंत ही सादगी से रसो सिद्ध का मेला भरा। अब मुनि जी महाराज को रसो सिद्ध क्यों कहा जाता है? कौन थे मुनि जी महाराज? तो ऐसा बताया जाता है कि रसो सिद्ध अर्थात रस की जानकारी मुनि जी महाराज को संपूर्ण वनस्पति के रसों की जानकारी थी। बताया जाता है कि मुनि जी महाराज अमरकोट रियासत जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सोना राजपूत परिवार से थे। बचपन में करीब 13 वर्ष की आयु में गौ माता की सेवा करते आबू आ गए तो उनका मन इस पवित्र धरती पर भक्ति में लग गया, संन्यास लिया और एक दिन संत के रूप में वो प्रस्थापित हो गए और उन्होंने दीन दुखियों के दुख को हरा, इसलिए आबू में उन्हें देवतुल्य माना जाता है। वैसे वास्थान जी में हर वर्ष दो मेले लगते हैं, एक श्रावण महीने की पतरा अमावस्या को लगता है तो दूसरा मेला मुनि जी महाराज का होता है जो उनकी समाधि के बाद से ही प्रतिवर्ष लगता रहा है, जहाँ पर रात भर भजन कीर्तन होते हैं, साधु महात्माओं का घने जंगलों में आगमन होता है। यहाँ पर सांडिल्य परिवार परंपरागत रूप से पूजा करता है तथा उनकी निगरानी में मेला कमेटी बनती है, फरे चुनरी का आयोजन होता है। परंतु इस वर्ष मुनि जी महाराज का मेला निर्धारित संख्या के साथ मनाया गया, जहाँ रसो सिद्ध के समक्ष वातावरण भक्तिमय हो गया। यह स्थान सिरोही जिले के स्वरूपगंज से सड़क मार्ग के रास्ते केर गांव आता है और वहाँ से हम वास्थान जी की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत ही रमणीय स्थल है आबू की पहाड़ियों में, इससे अच्छा स्थान Thank you.